वहीं जिला पुलिस सांबा ने दो मोस्ट वांटेड मुजरिमों की सूचना देने पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। घोषित इनामी बदमाशों में रोहित कुमार उर्फ मक्खन 24 वर्ष पुत्र बोधराज निवासी कोटली रियान आर एसपुरा जम्मू और लुड्रा सांसिया 24 वर्ष जो पुत्र पैपी निवासी कल्याणा निवासी आर एसपुरा जिला जम्मू के रूप में की गई है। और अब मंगलवार रात के समय कठुआ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टरों द्वारा एक पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को गोली मार दी गई थी जिससे वह शहीद हो गए और जबकि एक गैंगस्टर को भी मार दिया गया। नमस्कार साथियों, मैं पवन कोतर तार मीडिया में आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त की जम्मू कश्मीर की जो हम आपके सामने खबर लेकर आ रहे हैं, खबर इस प्रकार से है। सांबा पुलिस सांबा ने शाम के 2 बजे मोस्ट वांटेड की सूचना देने पर 1-1 लाख रुपए का नाम घोषित किया। घोषित नामी बदमाशों में रोहित कुमार उर्फ मक्खन पुत्र बोधराज निवासी कोटरियान आर एसपुरा जम्मू लुड्डा सांसिया पुत्र पैपी निवासी कल्याणा निवासी आर एसपुरा जिला के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि मोस्ट वांटेड अपराधियों पर रामगढ़ थाने सहित कई जगहों पर मामले दर्ज हैं। इन्हीं लोगों ने गढ़वाल में अक्षय कुमार की हत्या करके इंस्टाग्राम पर लाइव होकर अपना दबदबा बढ़ाने का प्रयास किया था। उसके बाद कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब मंगलवार रात के समय कठुआ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टरों द्वारा एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई जिससे वह शहीद हो गया, जबकि एक गैंगस्टर को मार भी दिया गया। वह भी पुलिस इस केस में वंचित चल रही है। अपराधियों को कभी किसी भी कीमत पर सोना नहीं चाहती है, जिसके चलते वह पुलिस ने इन दोनों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया। क्या जानकारी देता है, उनको 1-1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टार मीडिया से पवन